कमर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ, ऐसे ही करते रहो। जितना ज़्यादा ऊंचा ले जाओ उतना ज़्यादा अच्छा असर आएगा। ये ले जा रहो सर्जरी के अंदर, हर हालत के अंदर कमर की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा मौजूद करनी है, जांग की पीछे की मांसपेशियां, जिससे कि मरीज सीधा होकर चल सके। तो इसको ब्रिजिंग कहते हैं, जैसे पुल होता है ना, तो ये एड़ी और सिर के बीच में, कंधों के बीच के अंदर हमें इसको ऊपर उठाना पड़ता है, इसको ब्रिजिंग कहते हैं। और एक दिन के अंदर करीब करीब ये हमको 100 से 200 बार ब्रिजिंग करानी पड़ती है। मरीज एक बार हम सिखा देते हैं, मरीज अपने घर पे करता रहता है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रिजिंग की एक्सरसाइज, कमर दर्द वाले मरीजों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो कमर ब्रिजिंग अगर करता रहेगा मरीज, तो कभी कमर में डिस्कलेप्स नहीं होगी। अगर आप बहुत बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, कार चला के आए 8-10 घंटे की, तब भी इस एक्सरसाइज को कर दें तो आपका कमर दर्द उड़नछू हो जाएगा। मैं अक्सर पहाड़ों की यात्रा करता हूँ तो मैं ब्रिजिंग को कर लेता हूँ एक लंबी ड्राइविंग के बाद, 2 मिनट के अंदर एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, जैसे मैंने कार चलाई नहीं है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इल्जारोप सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, नई दिल्ली।